कई बार किस्मत से धोखा खाने के बाद अब लग रहा है कि मनीष कश्यप की किस्मत पलटने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीष कश्यप के गांव बेतिया आ रहे हैं, जहां पर वह 20,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इस मंच पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत दर्जनों केंद्रीय मंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहने वाले हैं। और आखिर मनीष कश्यप के बारे में क्या खुशखबरी आ रही है, वो भी हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप को किस्मत ने कैसे धोखा दिया, और ऐसा लग रहा है कि अब मनीष कश्यप का अच्छा दिन शुरू होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मनीष कश्यप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मंच साझा करेंगे, उस समय मनीष कश्यप के नाम की घोषणा कर दी जाए, बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर मनीष कश्यप के नाम की घोषणा कर सकती है और मनीष कश्यप को दूसरे लिस्ट में जगह मिल सकती है। इस पास से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कैंसल हो चुका है, और ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया आने का कार्यक्रम बना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 बार कार्यक्रम कैंसल हो चुका है। और इसी के साथ बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप की किस्मत खराब चल रही है, बीजेपी ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें मनीष कश्यप का नाम ना देखकर मनीष कश्यप के समर्थकों में उदासी की लहर छा गई थी। और बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप के साथ धोखा हो गया है, विश्वासघात हो गया है, और ऐसी आशंका मनीष कश्यप ने खुद जताई थी। लेकिन 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेतिया आने जा रहे हैं, और इसी के साथ आपको बताते चले कि ये 4 से 5 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी बिहार यात्रा हो रही है। और ऐसा लग रहा है, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसके अनुसार बताया जा रहा कि बीजेपी बिहार में और यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि आपको बताते चले कि महागठबंधन की महारैली में ये घोषणा की गई है, अखिलेश यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, इन लोगों ने नारा दिया है कि 80 यूपी में हराओ, 40 बिहार में हराओ, ये दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि बिहार और यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोकस कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मन में भी ये डर सता रहा है। इन लोगों को भी संदेह है कि अगर बिहार और यूपी वाले अगर पलट जाते हैं तो इनको उतनी सीटें नहीं आ पाएगी। ये अपना कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे उस 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की, जैसा इन्हें भारी बहुमत मिला था। बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गुस्सा है, और वो गुस्सा सहारा इंडिया को लेकर है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी और वो पैसा अब तक नहीं मिल पाया। अब आते हैं अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि दरअसल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि मनीष कश्यप 6 मार्च को भाजपा में आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे, यानी कि भाजपा में वो जाने वाले हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष हुआ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। मनीष कश्यप को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा था, आरएसएस का दलाल कहा जाता था, और आज वही मनीष कश्यप 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में ही शामिल हो सकते हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये कोई पुष्टि, इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने से जो बात निकल के जो सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि मनीष कश्यप का नाम दूसरी लिस्ट में जारी हो सकता है, शामिल हो सकता है, और अभी दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी होना बाकी है। आपको बताते चले कि 195 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी, जिसके बाद बवाल मच गया। कई सारे मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं, कई सारे पूर्व जो है
बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन के टिकट काट दिए गए हैं, जिसके बाद कई सारे नेताओं ने तो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वहीं पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट लेने से इनकार कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और इसके बारे में हम विस्तृत रिपोर्ट दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, और आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ की सौगात बेतिया को देने जा रहे हैं। 6 मार्च को बिहार आएंगे, और इसको लेकर डिप्टी सीएम पहुंचे थे और उन्होंने दौरा किया है, प्रधानमंत्री के रैली की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी मजबूत हुई है। वहीं आपको बताते चले कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया रहे हैं, 20,000 करोड़ की योजनाओं का सौगात देने वाले हैं, जिसमें चंपारण से तेज गति से विकास होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में जिला प्रशासन से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तक जुटे हुए हैं, इसे सफल बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी कड़ी व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हजारों जवानों की तैनाती की गई है। बताया जा रहा कि SPG कमांडो पहुँच चुके हैं, और जहाँ सभा स्थल बनाया जा रहा है वहाँ का SPG ने दौरा किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में SPG के खतरनाक कमांडो तैनात रहते हैं, और प्रधानमंत्री जहां भी जाने वाले होते हैं वहां पर SPG कमांडो पहले पहुंच करके उस क्षेत्र का दौरा करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। वहीं बताया जा रहा कि PM के आगमन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जहां कुमार सानू और उदित नारायण भी आने वाले हैं। यानी कि कुमार सानू और उदित नारायण बॉलीवुड के मशहूर गायक, जिनको सुनते हुए आप और हम बड़े हुए हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आने वाले हैं। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल इसी चुनावी मंच से, क्योंकि ये लोकसभा का चुनावी, ये आप चुनावी रैली कह सकते हैं इसको, लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है, अप्रैल में चुनाव होना है, और अब बताया जा रहा कि मनीष कश्यप को BJP टिकट देने जा रही है। दूसरे लिस्ट में मनीष कश्यप का नाम शामिल हो सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या अंदर खाने से जो बात निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार क्या मनीष कश्यप BJP में शामिल होंगे, क्या BJP मनीष कश्यप को टिकट देगी, या फिर पहली लिस्ट की तरह ही दूसरी लिस्ट में भी मनीष कश्यप का नाम नहीं होगा? क्योंकि मनीष कश्यप ने साफ साफ कह दिया था, और जिस प्रकार से वो लगातार BJP के तमाम नेताओं से मिल रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप BJP से चुनाव लड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप का BJP के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर था, जो रवैया था, उसे देख करके भी लग रहा था कि मनीष कश्यप BJP के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि उनसे जब मीडिया कर्मियों ने बात की और उनसे जब सवाल किया कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में एक चीज तो क्लियर कर दी थी कि वह आरजेडी के अलावा उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि माई बाप की पार्टी के अलावा जिस पार्टी से भी उन्हें टिकट मिलेगा, जो भी राष्ट्रवादी पार्टी होगी, उससे वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को लोकसभा का टिकट BJP दे सकती है? हालांकि पिछली वीडियो में, यानी कि जब पहली लिस्ट जारी हुई थी और उसमें मनीष कश्यप का जब नाम नहीं था, हमने दर्शकों से सवाल किया था, हमने मनीष कश्यप के समर्थकों से सवाल किया था कि आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप को अब निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, अगर कोई पार्टी उनको अगर टिकट नहीं देती है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया था कि मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। उसी तरीके से आप इस वीडियो का जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है, क्या आपको भरोसा है कि BJP के दूसरी लिस्ट में मनीष कश्यप का नाम हो सकता है? क्योंकि कई सारे केंद्रीय मंत्रियों का, कई सारे कद्दावर नेताओं का नाम इसमें कट चुका है, लिस्ट में उनको जगह नहीं दी गई, जिसके कारण उनको संन्यास लेना पड़ा है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।